शिवपुरी पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश पर सत्तनवाड़ा थाना प्रभारी कुसुम गोयल को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति डोंगरपुर के नीचे एबी रोड सत्तनवाड़ा पर स्मैक बेचने के लिए लेकर आ रहा है। सत्तनवाड़ा पुलिस ने मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी और आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पकड़कर पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम बुद्धि प्रकाश निवासी जिला बारा राजस्थान का होना बताया। पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर आरोपी के पास से 20 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस द्वारा आरोपी से स्मैक सप्लायरों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। डोंगर पुल के नीचे स्मैक बेचने के लिए आने वाला है, जिसकी तस्दीक हेतु मैं फोर्स से रवाना हुए थे। आरोपी वहां जाके एक व्यक्ति आता हुआ देखा, जिसे फोर्स की मदद से पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उसको नाम पता पूछा तो उसके द्वारा अपना नाम बुद्धि प्रकाश, पिता बाबूलाल, निवासी राजस्थान का होना बताया गया, जिसको चेक किया गया, जिसमें से 20 ग्राम स्मैक, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 4 लाख रुपए है। आरोपी से उसके संबंध में लाइसेंस पूछा गया, जो कोई दस्तावेज उसके द्वारा पेश नहीं किया गया, जिससे आरोपी को विधिवत जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।